क्या आपको पता है चाय कॉफी में ऐसा क्या होता है जो आपकी जिंदगी को कम कर देता है? और कोई भी साइंटिस्ट चाय कॉफी क्यों नहीं पीते, यानी हमारा साइंस चाय कॉफी पीने की इजाजत क्यों नहीं देता? और क्या आपको पता है हमारी इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचना चांद पर जाने से लाख गुना ज्यादा कठिन है? जानना चाहोगे वह जगह धरती पर कहाँ है? और इस धरती पर एक ऐसा पेड़ है जिसकी पानी की एक बूंद आपको जलाकर राख कर देगी। और आप बहुत किस्मत वाले हो जो इस जन्म में आपको ये फोटो देखने को मिल गया, क्योंकि इस फोटो की सच्चाई जब आप जानोगे तो कसम से आप इस फोटो को अपने सभी दोस्तों के घर जा जाकर दिखाओगे। और क्या आपको पता है अमेरिका में एक औरत ने 8 तारीख 8वां महीना 2008 को एक बच्चे को जन्म दिया, फिर 9-9-9 को भी एक बच्चे को जन्म दिया, फिर 10-10-10 को भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उस औरत के साथ जो हुआ आप जानोगे तो आपके हौस उड़ जाएंगे। मतलब कि आप इस वीडियो में ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानोगे कि आपका मुंह 7 दिनों तक खुला का खुला रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना। और हाँ, गारंटी है इस वीडियो के लास्ट में आप मुझसे बोलोगे, भाई ये वीडियो नहीं, ये वीडियो तो एक नशा है, नशा। फैक्ट नंबर 25, ये दुनिया की सबसे अमेजिंग कोइंसिडेंस में से एक है। अब ध्यान से सुनना, साल 1975 में एक आदमी अपनी बाइक से सड़क पर जा रहा था और इसे टैक्सी ड्राइवर से टक्कर के चलते उस बाइक वाले की मौत हो गई। लेकिन दोस्त, ठीक एक साल बाद उसका छोटा भाई उसी सड़क पर बाइक से जा रहा था, पर उसे भी एक टैक्सी ड्राइवर ने मार दिया। अब इसमें सबसे बड़ा कोइंसिडेंस यह है कि यह वही टैक्सी थी और वही टैक्सी ड्राइवर था और वही सेम जगह थी जो एक साल पहले उसके बड़े भाई को टक्कर से मारा था। भला इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है मेरे भाई? फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है एक इंसान बिना कुछ खाए पिए 21 दिन तक जिंदा रह सकता है, और अगर उसे पानी मिलता रहे तो 2 महीने तक जिंदा रह सकता है। लेकिन दोस्त, हम बिना सोए सिर्फ 11 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं, इसलिए खाने से ज्यादा सोने पर ध्यान दो। फैक्ट नंबर 23, ओसाका जापान में एक 16 मंजिला इमारत है और उसका नाम है गेट टावर बिल्डिंग। और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि इसके 5वें 6वें और 7वें फ्लोर के बीच से एक हाईवे रोड पार होता है। बिल्डिंग की लोकेशन कितनी मस्त जगह है ना। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कम सोने से हमें माइक्रो स्लीप के दौरे पड़ने लगते हैं? इसमें होता यह है कि आप कुछ सेकंड के लिए सो जाते हो और वापस उठ भी जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता। और इसी माइक्रो स्लीप के चलते हर साल बहुत से लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इस फैक्ट से यही सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, कम नींद कभी मत लेना। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों आपने नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी कोई आपसे कहता है कि इधर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो दोस्त ये सुनकर आपको हाल ही में किए हुए सारे बुरे काम 1 मिनट के अंदर याद आ जाते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 20, लोमन इंडा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी 2010 में, और इसमें ये पता चला था कि हंसने से सिर्फ टेंशन ही खत्म नहीं होता बल्कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए सच में हंसना ही सबसे बेस्ट मेडिसिन है। फैक्ट नंबर 19, शकीरा जो कि अभी की सबसे बड़ी फेमस सिंगर है, वह जब क्लास 5-6 में थी जब ही से उसे म्यूजिक का शौक चढ़ा, पर उसकी जो म्यूजिक टीचर थी वह उससे हमेशा ये बोलती थी कि तुम कभी भी सिंगर नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारी आवाज एक गोट यानी एक बकरी की जैसी है। और आज देखो वह कहाँ है, और एक हम है कि कोई हमें कुछ बोल दे तो अपने सपने देखना ही बंद कर देते हैं। इसलिए दोस्त, कोई कुछ भी बोले, आप अपने अंदर के सपने को बनाए रखना, आप एक ना एक दिन कुछ कर ही जाओगे। और अगर आपका YouTube पर वीडियो डालकर लाखों रुपए कमाने का सपना है तो दोस्त आप हमारा फैक्ट वीडियो एडवांस एडिटिंग कोर्स, इस कोर्स को खरीद सकते हो। इस कोर्स में आपको मेरी तरह बिना कैमरे के सामने आए फैक्ट वीडियो, मिस्टीरियस वीडियो, मोटिवेशनल या हॉरर स्टोरी वाली वीडियो बनाना सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। फैक्ट नंबर 18, एक साइकोलॉजी स्टडी के अनुसार अगर आपका मूड किसी बात को लेकर खराब है तो आप उन बात को लिखकर एक कूड़ेदान में फेंक दो, इससे आपका मूड ठीक हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे साइकोलॉजी स्टडी में पाया गया था। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है जब कोई चींटी मरती है तो उसके शरीर से एक केमिकल निकलता है जो कि बाकी जिंदा चींटियों को सिग्नल भेजता है कि वह चींटी मर गई है और उसको उठा करके बाहर हटा दो। लेकिन दोस्त, अगर कोई इंसान उस केमिकल को किसी जिंदा चींटी पर डाल दे तो बाकी की चींटी उस चींटी को भी मरा हुआ मानेंगी, भले ही वो चल क्यों नहीं रही हो, और सभी चींटियां मिलकर उस चींटी को अपने इलाके से दूर कर देंगी। इस फैक्ट से पता चलता है कि इंसान हो या जानवर, दोनों में दिमाग का केमिकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर इंसानी दिमाग की बात करें तो। क्या आपको पता है प्यार में जो केमिकल निकलता है हमारे दिमाग में वो उसके बराबर होता है जो किसी कोकीन ड्रग के लेने से होता है, इसलिए किसी लड़की के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं।
क्योंकि वे एक ड्रग की जैसी हो जाती है आपके लिए। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है इंडिया की सभी रेलवे पटरियों को इस पूरी धरती पर बिछा दें तो इस धरती के दो चक्कर लग सकते हैं सिर्फ इंडिया की रेल पटरियों से, है ना गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों अभी जानकर हैरान हो जाओगे, कुत्ते, गाय, बिल्ली और भी बहुत सारे जानवरों को भी आत्महत्या यानी सुसाइड करते हुए पाया गया है। इससे पता चलता है इंसानों की तरह जानवर भी परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 14, अब इस मजेदार फैक्ट को ध्यान से सुनो। रशिया के एक चिड़ियाघर में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम है जोरा। चिड़ियाघर में जो लोग घूमने आते हैं उसमें से बहुत सारे लोग उसे सिगरेट शराब पीने को देते थे और इसी के चलते एक चिंपैंजी नशेड़ी बन गया। यहां तक 2010 में उसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजना पड़ा ताकि उसे नशे की इलाज हो सके। और आज मैं आपको खुशी खुशी बोल सकता हूं कि अब उसके सिगरेट की आदत छूट गई है। फैक्ट नंबर 13, ऑस्ट्रेलिया में एक मोबाइल मिला जो कि 800 साल पुराना है और 2017 में इस फोन की फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई थी। लेकिन दोस्त, साल 2000 में ढंग से फोन भी नहीं आए थे लेकिन ये 800 साल पुराना फोन नोकिया 3310 जैसा लगता है। फैक्ट नंबर 12, मोहम्मद अली नाम के इस बॉक्सर को तो आप जानते ही होंगे। जब वे बच्चे थे तो उन्होंने स्वर्ण रोविंसन से एक ऑटोग्राफ मांगे थे तो उन्होंने मना कर दिया। जब मोहम्मद अली बहुत बड़े फेमस बॉक्सर बन गए तब उन्होंने अपने आप से एक वादा किया कि जब कोई मुझसे ऑटोग्राफ मांगेगा मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, और आज तक उन्होंने किसी को मना नहीं किया, जिसने मांगा सबको दिया। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है मॉल से जब आप कोई सेब या संतरा खरीदते हो तब आपको इसके ऊपर स्टिकर चिपके हुए जरूर दिखे होंगे। तो दोस्त, क्या आपको पता है ये स्टिकर का कागज और इसे चिपकाने वाला ग्लू, ये दोनों एडिबल होते हैं। मतलब कंपनी इनको ऐसा बनाती है कि इन्हें आप गलती से खा भी लो तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जब कोई आपको इग्नोर यानी अनदेखा करता है तो हमारे दिमाग में वही केमिकल निकलता है जब हमें कोई चोट लगने पर हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज होता है। फैक्ट नंबर 9, एक आर्टिस्ट है जिसका नाम स्कॉट बेड है और वह डस्ट आर्ट के लिए इतना फेमस है, मतलब जो गाड़ी के पीछे धूल जम जाता है उसी को ढाल ढाल कर अपनी उंगली और ब्रश की मदद से इतनी गजब की आर्ट बना देता है जो देखने में एकदम रियल जैसा लगता है। क्या टैलेंट है भाई। फैक्ट नंबर 8, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो एस्ट्रोनॉट जो हैं वो एक दिन में 15 सनसेट और 15 सनराइजेस को देखते हैं। अब खतरनाक फैक्ट्स देखने के लिए रेडी हो जाओ। फैक्ट नंबर 7, हमारी इस धरती पर समुद्र का जो सबसे गहरा पार्ट जो है उसका नाम है चैलेंजर डीप और इसकी गहराई है करीब 11 किलोमीटर और इस जगह को पहुंचना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। आपको एग्जांपल देता हूं, 12 लोग जा चुके हैं चांद पर, ठीक है, पर आज तक सिर्फ 3 ही लोग इस चैलेंजर डीप वाले एरिया में जा पाए हैं। सोचो कितना मुश्किल है इस चैलेंजर डीप वाले एरिया में जाना। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इस दुनिया के 100% ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन अकेले ही अमेज़न का जंगल देता है। सोचो कितना बड़ा होगा ये जंगल। फैक्ट नंबर 5, इस मजेदार फैक्ट को ध्यान से सुनो। यूएस के एक स्टेट जिसका नाम मिशिगन, वहाँ एक औरत है जिसका नाम है बारबरा सोपर। उसने 888 को एक बच्चे को जन्म दिया यानी 8 अगस्त 2008 को। फिर उसने 999 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके अगले साल 10-10-10 को भी उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। इतना बड़ा कोइंसिडेंट और तीनों का डेट ऑफ बर्थ बना 8-8-8-9-9-9-10-10-10। ऐसा होना प्रोबेबिलिटी की दुनिया में 5 करोड़ में से एक होता है। ये दुनिया की सबसे अमेजिंग इत्तेफाकों में से एक है। फैक्ट नंबर 4, साल 2005 में स्वीडन के एक अरबपति जिनका नाम जोहान एलिस, इन्होंने अमेजन रेन फॉरेस्ट में 400,000 एकड़ जमीन को खरीदा, वो भी एक पेड़ काटने वाली कंपनी से। आपको ये जानकर खुश हो जाओगे कि उन्होंने इतनी बड़े एरिया को उस कंपनी से इसलिए खरीदा ताकि उतने दूर तक कोई पेड़ ना काट पाए। पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। सच में ऐसे और लोगों की जरूरत है हमारी इस धरती को। फैक्ट नंबर 3, इस फोटो को आप देख रहे हो, ये कोई आम फोटो नहीं बल्कि हमारी दुनिया की सबसे पहली सेल्फी है जो कि 1839 में यानी कि 182 साल पहले रॉबर्ट कार्नवालिस ने लिया था और इसे सिर्फ एक सेल्फी लेने में ही 3 मिनट का टाइम लगा। फैक्ट नंबर 2, मैशनल नाम का एक पेड़ होता है और इस पेड़ की खास बात यह है कि अगर आप बारिश के समय इस पेड़ के नीचे खड़े हो गए और अगर बारिश की एक बूंद इसके पत्तों से टच करके आपके ऊपर गिर जाए तब आपका स्किन लिटरली जल जाएगा। कितना खतरनाक है ये पेड़। फैक्ट नंबर 1 से पहले एक बोनस फैक्ट सुनो। जैसा कि आपको पता है इंडिया में लाखों लोग घर बैठे यूट्यूब पर वीडियो डालकर लाखों रुपए महीने इनकम कर रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह बिना कैमरे के सामने आए फैक्ट वीडियो, मिस्टीरियस वीडियो, मोटिवेशनल या हॉरर स्टोरी वाली वीडियो बनाना सीखना चाहते हो तो आप हमारा फैक्ट वीडियो एडवांस एडिटिंग कोर्स जो कि सिर्फ इस महीने 999 में बाय कर सकते हो। इस कोर्स में आपको अपने मोबाइल से फैक्ट वीडियो, मिस्टीरियस वीडियो, मोटिवेशनल या हॉरर स्टोरी वाली वीडियो बनाना बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। इसलिए देर ना करें, अभी इस कोर्स को करने के बाद आप भी मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट करें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है चाय और कॉफी दोनों एक इंसान पीता है और दूसरा इंसान नहीं पीता है। तो दोस्त, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो इंसान चाय नहीं पीता उसकी लाइफ ज्यादा होगी
उस इंसान के मुकाबले जो रोजाना चाय को पीता है, क्योंकि एक कप चाय में 50 से 90 कैलोरीज होता है जो कि आपका वजन बढ़ाता है। अगर आप दिन में 2 कप से ज्यादा चाय पीते हो तब तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। और जहाँ तक कॉफी की बात है, कॉफी में कैफीन होता है और आप कॉफी की ज्यादा मात्रा लेते हो तो ये कैफीन आपकी सेहत के लिए खराब साबित हो सकता है। मान लो आप काम करते करते थक गए और अगर आप 1 कप कॉफी पी लोगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गई, लेकिन दोस्त यह सिर्फ फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी होता है। मतलब आपका शरीर अंदर ही अंदर अननेचुरल तरीके से फॉल्स फीलिंग देता है। इसलिए चाय कॉफी पर डिपेंड होना गलत बात है। एनर्जी के लिए आप 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, इससे आपको 5 मिनट में ही शांति और एनर्जी महसूस होने लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को जरूर दबाना।